तो ये स्टार्ट हो गया है यहाँ से हमारा ऑफ रोड। अभी तक रास्ता ठीक ठाक था, अब यहाँ से पूरा रास्ता कच्चा है। ऊपर से जाना है या नीचे से? नीचे से चलते हैं। हैं? देख क्या होगे? इधर भैया जा रहे हैं देखने के लिए क्या रास्ता है या नहीं, क्योंकि ये रास्ता एक तो पहले से ख़राब था, फिर अब ये बारिश की वजह से और ज़्यादा ख़राब हो चुका है। निकल तो जाएगी। क्या कह रहे हो? चलो भैया से मिल गए क्लियरेंस, और जब मिल गई है क्लियरेंस तो फिर तो घुसा देते हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। कांटे घुस गए, कांटे। उतरेगी? हैं? ना, बाइक नीचे तक जाएगी, नीचे तक लेके चलेंगे बाइक। हटना भी है, इधर से उतर जाएगी, उसे उधर से किनारे पे से उतर जाएगी। हैं? हाँ, उधर से उतर जाएगी। ओ भाई खतरनाक है यार, ये तो इतना भी इजी नहीं है। भैया यहीं पे बाइक लगाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम बाइक नीचे तक लेके जाएं। हैं? वहाँ चली जाती है, वहाँ चली जाती है। उधर से ऊपर से वहाँ से नहीं जाएगी? इस तरफ बारिश की वजह से गड्ढा हो चुका है, और दूसरी तरफ करीब 30 फुट गहरी खाई है, और नीचे पानी है। स्लिपरी है वैसे, स्लिपरी है। फिसलना है? तो उतर के ना हल्का ब्रेक दे दे, कि मैं उस तरफ हूँ तो उस तरफ पे निकाल लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। नहीं तुम छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। ओ भाई साहब, ओ तेरी तो खतरनाक था भाई। यहाँ पे तो खतरनाक लग रहा भी। खतरनाक था भाई, खतरनाक, खतरनाक भाई। थोड़ी सी भी स्लिप हो जाती है ना, सीधा काम तमाम ही हो जाता। डेंजरस ये रास्ता तो भाई हो गया बिल्कुल ख़राब, तो ये रास्ता तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। ओ तेरे तो, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, शिट, बहुत खतरनाक रास्ता है ये, बिल्कुल भी रेकमेंडेबल नहीं है भाई साहब। यहाँ से बिल्कुल भी
मत आना। बिल्कुल बहुत ही बेकार रास्ता है। तो ये आ गए हम पानीकोट लेक पर फाइनली। वहाँ पे तो फट के आत्मा आ गई थी भाई साहब, तगड़ी वाली। एक बार को तो मैंने सोचा था कि नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई जब आ गए तो फिर आ गए। ये देखो अब व्यू मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है। मस्त लग रहा है। इसके ऊपर भी उधर पीछे एक ऐसी झील है छोटी, है ना? कौन सी? कोट, कोट, हाँ कोट गांव है ना इधर, क्या है? और कोट किधर है? कोट, अच्छा। और वो जमालपुर जो बता रहे थे, अच्छा अच्छा उधर आप आलमपुर बता रहे थे। आलमपुर वो है उधर, आलमपुर है उस आलमपुर लगा ले कॉलेज है। अच्छा उधर आलमपुर है, इधर कोट है, ये कोट इधर है पहाड़ी। अच्छा और इस तरफ जो है वो खोरी, ये खोरी है ये तरफ। अच्छा और सही है, यहाँ पानी भरा हुआ है ऐसे, इससे पहाड़ी पड़ती है। तो ये जो पानी भरा हुआ है ये कैसे जमीन में से निकलता है या बारिश का पानी है? बारिश का पानी है पर ये खत्म ना होगा। खत्म नहीं होगा, सूख तो जाता होगा बस थोड़ा बहुत। इधर अभी एक बंद लगाओ इधर ना, इधर का पानी नहीं आ जा। अच्छा कम से कम 12 फुट की हाइट खड़ी होगी पानी की। ये अभी और दो दिन में खत्म होगा 12 फुट पानी। तो ये इतनी बड़ी बड़ी झील बन कैसे गई यहाँ पे? मशीन चली मशीन पत्थर ले। अच्छा ऐसे लग रहा है ऐसे है ये। हाँ बहुत है, तो ये गहरी है बहुत। कितनी गहरी होंगी? तकरीबन कहीं बैठ जा 10 फुट कहीं 15 फुट। अच्छा आदमी मरने को तो 6-7 फुट ही होते, 5 फुट मर जाए आदमी तो जिस आप तो यहाँ यही कह रहा। लग रहा है जैसे किसी दूसरे ही प्लैनेट पे आ गए हूँ। चारों तरफ लाल लाल पहाड़, बीच में ये नीला नीला पानी, वाह मस्त लग रहा है यार। लेकिन आगे रास्ता फिर से खत्म हो गया। अब ये ताऊ कह रहा है कि पानी में से निकाल लो, लेकिन यार पानी गहरा हुआ तो रिस्की है भाई, बहुत रिस्की। निकाल दूं? अब ये पता नहीं गहरा कहीं हो। भाई साहब डर भी लग रहा था कहीं पानी गहरा हो और मैं अंदर पानी में डूब जाऊं, तैरना आता नहीं। हैं? अच्छा कार का रास्ता है उधर से। टायर फंस गया है। इधर से निकलता हूँ।
ओ भाई साहब, ओ भाई, खतरनाक ऑफ रोड, खतरनाक। इधर से रास्ता, इधर तो रास्ता नहीं दिख रहा मेरे को। अच्छा हाँ, इधर से तो निकल जाएगी। ओ भाई, तो भाई ये है पानीकोट लेक। क्या मस्त लग रहा है यार, ये देखो मैं आपको 360 व्यू, 360 तो नहीं 180 व्यू दिखाता हूँ। ये देखो, तो ये खतरनाक ऑफरोडिंग करने के बाद हम इस खूबसूरत झील के किनारे पर पहुंचे और यहां पहुंचकर हमने अपने खाने पीने का सामान बाहर निकाला और इस खूबसूरत झील के किनारे पर खड़े होकर हमने गर्मा गर्म चाय पी और नाश्ता किया। इसके बाद हमने यहां वीडियोग्राफी की और अब आप इन शॉट्स को एंजॉय करो। हम यहाँ करीब 2-3 घंटे बिताने के बाद एक बार फिर ऑफरोडिंग के मजे लेते हुए यहाँ से बाहर निकल गए, लेकिन अब की बार दूसरे रास्ते से, क्योंकि जिस खोरेगांव के रास्ते से हम आए थे वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था।